दोस्तों नासा अपने स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष में सांपों को भेजने वाला है, मतलब टेक्निकली यस, पर मगर क्यों? स्क्रीन पर डबल टैप करो और चलो जानते हैं। देखो, दरअसल नासा अपने रोबोटिक्स डिपार्टमेंट और कोलैबोरेटर्स के साथ एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंड लाइफ सर्वियर नाम का एक ऐसा मैकेनिकल स्नेक बना रहा है, जिसकी मदद से नासा उन जगहों की भी इन डेप्थ रिसर्च करने की कोशिश करेगा जहां पर बड़े बड़े रोवर्स का जाना इम्पॉसिबल है, जैसे कि सुरंगे, चट्टानों के नीचे की जगह वगैरह वगैरह। अब देखो, अभी के लिए तो इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसेलेडस पर ही रखा जाएगा, जो सैटर्न का एक पॉसिबली हैबिटेबल आइस मून है। बट अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसे बाकी ग्रहों पर भी हैबिटेबिलिटी रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, और चूंकि इसका प्रोजेक्टेड साइज एंड स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लाइटर है, इस वजह से इसके आने के बाद स्पेस एजेंसीज का ढेर सारा पैसा भी बच जाएगा, वो अलग बात है। हालांकि अगर आप भी अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो अंतरिक्ष टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।